हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड है बिकॉज ऑफ शमशेरा ऑफिशियल ट्रेलर, जिसमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, बनी कपूर है। एंड फाइनली टीजर के बाद अभी ट्रेलर आ गया, तो चलिए देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड सो गाइस, लेट्स क्विकली डाइव इनटू द ऑफिशियल ट्रेलर। टीजर बहुत बढ़िया था। जो कहता था गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती, और आजादी तुम्हें कोई देता नहीं, आजादी छीननी पड़ती है। ये कहानी है शमशेरा की। पता हुजूरी, ये बात तो बचपन से सुन के जवान हुआ हूं मैं। अकेला खाऊं पूरा गिरो है मेरा। अब बता, पक्का मरेगा तू? नया शमशेरा कहाँ से लौट आया? हमारा जीना आराम कर रखा है साहब। आप भी हमें चलने से मुक्ति दिला सकते साहब? मतलब कोई पुराना भी था। इंडियन टाइड उबली इंडियन एंड के कोई थे इनके ब्लैक सर। इंग्लिश का तो वही फॉर्मूला था। वो बात ही अलग है। शुद्ध सीन उनका नाम। पूरा अलग लुक है। संजय दत्त एंड रणबीर आमने सामने, उस जमाने में इतना मॉडर्न था कोई। मनी कपूर जैसे देखने तो मैं डबल रोल होगा एक्शन है इसमें। तो इसमें है रियल और इसका ट्रेलर देख के जो वाइब आ रहा है ना, मैं बार बार कह रही हूँ, ब्रह्मास्त्र से भी बहुत ज्यादा बढ़िया वाइब आ रहा है। आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूसर है, तो एक मतलब पक्का इंसान बोल सकते हैं हम लोग, मतलब मूवी बनाते बनाते पक गया जिसका हाथ। तो बस करण मल्होत्रा का डायरेक्शन अगर बेहतरीन हुआ तो दिस इज द नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ बॉलीवुड। जैसा इसका लोकेशन है, जैसा इसका कलर कॉम्बिनेशन है, मतलब रेत का एकदम ऐसे कॉम्बिनेशन हम हमेशा हॉलीवुड फिल्म में देखते हैं, और वो टाइगर में था, पहले टाइगर में बहुत अच्छा लगता। को मालूम होगा तो अच्छा है, नहीं मालूम है तो हम बोल देते हैं, फ्रांस एंड पारवेज दो जो एक्शन डायरेक्टर है इसका, फ्रांस ने बहुत सारे बॉलीवुड मूवी का खास करके मतलब कमेंडो 2 एंड कमेंडो दोनों जो विद्युत जमाल का मूवी था दोनों का एक्शन डायरेक्ट किया है। एंड पारवेज जिन्होंने वार एंड जितना मूवी है सुल्तान, फिर आपका एक था टाइगर एंड टाइगर 3 जो आ रहा है, फिर राम सेतु जो आ रहा है, एंड और एक जो ऋतिक रोशन का विक्रम वेदा जो रिमेक आ रहा है इसका, हर मूवी का मतलब एक्शन डायरेक्टर वही है। तो इसमें कुछ अच्छा एक्शन तो जरूर मिलेगा। वार्ड का एक्शन बहुत बढ़िया था, एक्शन अच्छा मिल रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है जहाँ जहाँ पे रणवीर एंड संजय को दिखाया है कितना बढ़िया है। और जहाँ पे ऐसा था ना, वो जो एजिलिटी दिखाया है शमशेरा का,
सॉन स्टम्पशे रखा संजय दत्त के सामने, क्या बढ़िया है, ऐसे सो के भी मारपीट कर रहे हैं। ट्रेलर संजय दत्त का लुक को जितना तारीफ करे कम है, तारीफ करे उतना कम है। यहाँ से गुरु, यहाँ पीछे से वही छोटी एंड फिर अटायर पुलिस का, और वो जो डायलॉग इंडियन डर्ट ओनली इंडियन हैंड कैन क्लीन। संजय दत्त की डायलॉग डिलीवरी ही अलग है, मतलब मालूम नहीं मूवी कैसा होगा। डमरू का वो तो बढ़िया एक्टर है ही है, लेकिन संजय दत्त हमको लगता है लाइमलाइट ले सकता है इस मूवी का, एंड लुक में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। जो पापा शेरशाह है वो फर्स्ट है एंड देन संजय दत्त है, लेकिन फिर बेटा शमशेर। एक चीज है, संजय दत्त दोनों पापा बेटा दोनों के साथ लड़ाई करता है जरूर, ये चीज तो मूवी में होगा ही होगा। तो दैट इज सरप्राइज, एंड बानी कपूर का जैसा रोल हम लोग एक्सपेक्ट किए थे ऐसा ही रोल। अगर एक इंसान है तो उसका एक गर्लफ्रेंड भी होगा, तो वही रोल का बानी कपूर का है इसमें, चौंकने जैसा कुछ है। तो बानी कपूर का कैरेक्टर क्या है वो देखने लायक, ओवरऑल रियली एक्साइटेड गाइस, फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग ट्रेलर है, एंड बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बढ़िया, मतलब जितना तारीफ करे तारीफ खत्म नहीं होगा इस ट्रेलर का, तो फैंटास्टिक। एंड और भी बहुत सारे इसमें कैरेक्टर है, रणित रॉय है एंड सौरभ शुक्ला है, तो अच्छा अच्छा एक्टर एक्ट्रेस भी है, तो होप मूवी डज वेल। एंड जब सब ब्रह्मास्त्र की तैयारी कर रहे हैं और उस बीच जब क्षेपणास्त्र मिल जाए इंसान को, तो और क्या ही बात है। तो जुलाई में एक ब्लॉकबस्टर वी आर होपिंग होगा, सो लेट्स सी इसी नोट पर वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, साथ ही में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।